आज बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स कि अकाउंटिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने के मोटिव कौन कौन से हैं। जैसे पहला नंबर मोटिव है, अकाउंटिंग करने का सबसे पहला मोटिव है मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग करने का सबसे पहला मोटिव है जितने भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुए हैं एक एंटिटी में डेट वाइज, वो सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे, वो सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे ताकि जो हमें रिजल्ट्स ऑब्टेन करने हैं वो हमें प्रॉपर रिजल्ट मिल सकें। और जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो करेंगे एज पर दी प्रिंसिपल्स, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे एज पर दी प्रिंसिपल्स, जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं। कौन से प्रिंसिपल हैं वो हम डिस्कस करने वाले आगे वाली क्लासेस में। सेकंड नंबर ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, डिटरमाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग करने का दूसरा पर्पज है। या फिर मैं कहूँ हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, यह पता लगाने के लिए कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट है। प्रॉफिट मोटिव अटेन करने के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट मोटिव अटेन करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। तो एक फेयर ट्रू एंड फेयर पोजीशन पता लगे हमें। अकाउंटिंग करने का मोटिव है ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ प्रॉफिट, कि ऐसा ना हो कि हमने जो प्रॉफिट निकाला है वो गलत हो, हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो मिसलीड है, यूजर को मिसलीड कर रहा है। वो मिसलीड करने का मतलब है हमने प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रखा है ताकि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो। बड़ी बड़ी कंपनीज जो चाहती हैं कि हम इन्वेस्टर्स या फिर शेयर होल्डर्स कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें, वो अपने प्रॉफिट ज़्यादा दिखाती हैं, प्रॉफिट ज़्यादा दिखाती हैं। लेकिन अकाउंटिंग का मोटिव है कि प्रॉफिट उतना ही दिखाएं जितना हुआ है, मतलब फेयर एंड ट्रू प्रॉफिट डिस्क्लोज करें यूजर को। प्रॉफिट डिस्क्लोज कैसे करेंगे, जो भी हमने कल बात की थी समराइजिंग स्टेटमेंट की या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, एक स्टेटमेंट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल सकते हैं या फिर इनकम स्टेटमेंट कह सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट। यहां से हम प्रॉफिट की पोजीशन का पता लगाएंगे कितना प्रॉफिट हुआ है। द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन मींस द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग शोज ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट इफ अकाउंटिंग इज डन एज पर द प्रिंसिपल। यदि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हुई है तो प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रू एंड फेयर पोजीशन शो होगी। प्रॉफिट डिस्क्लोज कैसे करेंगे, प्रॉफिट डिस्क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके या फिर इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करके। प्रॉफिट डिस्क्लोज कैसे करेंगे या फिर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के या फिर इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करके। ये था ऑब्जेक्टिव नंबर सेकंड। ऑब्जेक्टिव नंबर थर्ड जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो डिटरमाइनिंग सॉल्वेंसी पोजीशन या फिर फाइनेंशियल पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन या फिर फाइनेंशियल। सॉल्वेंसी पोजीशन क्या होता है, सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब क्या बिजनेस के पास इतनी एसेट हैं, अभी सिंपल भाषा में क्या बिजनेस के पास इतना कैश है कि सारी लाइबिलिटीज, उसकी जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं या फिर लेमन लैंग्वेज में
क्या बिजनेस के पास इतना पैसा है कि उसकी जितनी भी उधारी है बाजार के अंदर वो पेड कर सके, उसे बोलते हैं सॉल्वेंसी पोजीशन। एक ऐसी पोजीशन जो बताएगा बिजनेस कितना सॉल्वेंट है, बिजनेस कितना कैपेबल है अपनी लाइबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को पेड करने के लिए, या फिर सॉल्वेंसी पोजीशन कह सकते हैं या फिर फाइनेंशियल पोजीशन कह सकते हैं। कि बिजनेस बताएगा, अकाउंटिंग बताएगी कि बिजनेस के पास इतना फाइनेंस, इतना पैसा है, इतनी एसेट है कि वो अपनी सारी लाइबिलिटी पेड कर सके। ऑब्जेक्टिव नंबर थर्ड। ऑब्जेक्टिव नंबर फोर्थ। इसके बाद जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू द यूजर, प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। यूजर कौन से, हमने बात की है यूजर, हु आर द यूजर, या फिर मैं कहूं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम डे वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, इनको यूज कौन कौन करेगा, क्या इन्हें यूजर बोलते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए हैं इन्हें कोई यूज करने वाला है? तो यूजर को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट इज इंटरनल यूजर और नंबर सेकंड इज एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर के अंदर कौन कौन से आएंगे? नंबर फर्स्ट बैंक्स। बैंक्स हमारे अकाउंटिंग से कैसे रिलेट करती है, या बैंक को क्या मतलब है हमारी अकाउंटिंग से? जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस बैंक से लोन लेती हैं, तो बैंक चेक तो करेगी कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन को इतना प्रॉफिट हो रहा है कि बैंक का लोन चुका पाए, या फिर यदि कोई बिजनेस एंटिटी लोन लेना चाहती है, यदि कोई बिजनेस एंटिटी लोन लेना चाहती है तो क्या इतना एडिक्वेट प्रॉफिट हो पाएगा भविष्य में कि हम बैंक का लोन चुका पाए। तो बैंक के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस जगह जरूरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस जगह जरूरी है। बैंक्स के अलावा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जरूरी क्यों है? कि गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करेगी, गवर्नमेंट जितने भी टैक्सेस होंगे वो कलेक्ट करेगी एक एंटिटी से, तो प्रॉपर अकाउंटिंग होगी, प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, तो इसका मतलब टैक्स का जो अमाउंट निकल के आएगा वो भी प्रॉपर रहेगा। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव, अगला यूजर एक्सटर्नल यूजर। जो अगला एक्सटर्नल यूजर है वो है शेयर होल्डर, या कह सकते हैं इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स या फिर इन्वेस्टर्स। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो एक बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आज मैंने किसी बड़ी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। मुझे क्या मतलब है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? मैं चेक करता रहूँगा कंपनी ने जो मुझसे पैसा लिया है, मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर, क्या उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या बिजनेस की, कंपनी की जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस किस नेचर का है या बिजनेस काम क्या करता है। मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है एक फार्मा इंडस्ट्री में या एक फार्मा सेक्टर में, या फिर मैंने एक पैसा इन्वेस्ट किया है दवाई बनाने वाली कंपनी में, तो क्या कंपनी दवाई बना के एडिक्वेट पैसा कमा रही है, क्या कंपनी प्रॉफिट्स इतने हैं कंपनी के कि मेरा जो फंड का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं। इसके अलावा एक्सटर्नल यूजर में सप्लायर भी है, जो बिजनेस को रेगुलर माल बेचते जा रहे हैं, कुछ सप्लायर उधार माल बेचते हैं, तो क्या सप्लायर का पेमेंट भी टाइम पर हो पाएगा, वो भी शो करेंगी प्रॉपर अकाउंटिंग। यदि प्रॉपर अकाउंटिंग शो, प्रॉपर अकाउंटिंग की होगी, तो सप्लायर जितने भी हैं वो चेक कर सकते हैं कि बिजनेस के पास इतना फंड है कि आने वाले टाइम में वो हमें पेमेंट कर पाए। तो ये थे कुछ एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना यूजर को। यूजर कौन? जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे। दो कैटेगरी में डिवाइड है,
नंबर वन इज इंटरनल, नंबर सेकंड इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब बैंक्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स या फिर इन्वेस्टर्स और सप्लायर। अब बात करें इंटरनल यूजर कौन से हैं। इंटरनल यूजर है सबसे पहले मैनेजर, इंटरनल यूजर है मैनेजर, इंटरनल यूजर है एम्प्लॉइज, जितने भी मैनेजर्स हैं या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कमेटी है बिजनेस के अंदर, वो जितने भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है प्रॉपर यदि अकाउंटिंग की होगी तो कहीं ना कहीं उन सभी मैनेजर्स को बिजनेस की एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी ताकि फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग कर पाए। पहली बात, मैनेजर कौन होते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनमें पैसा लगाने वाले अलग होते हैं जिन्हें बोलते हैं इन्वेस्टर्स, और इनको मैनेज करने वाले होते हैं मैनेजर्स। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनमें पैसा लगाने वाले होते हैं इन्वेस्टर्स और मैनेज करने वाले होते हैं मैनेजर्स। तो मैनेजर्स पता लगाएंगे क्या बिजनेस की अकाउंटिंग प्रॉपर हुई है, क्या बिजनेस को जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं एडिक्वेट हैं, क्या बिजनेस का जो प्रॉफिट हो रहा है क्या वास्तव में ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमारा बिजनेस तो फार्मा इंडस्ट्री मतलब मेडिसिन बनाने का है, दवाई बनाने का है, लेकिन हमारी इनकम इनकम का सोर्स कुछ और है। तो मैनेजर देखेंगे कि बिजनेस की प्रॉपर इनकम या फिर प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है नहीं, जिसके बेसिस पर डिसीजन लिए जाएं। तो मैनेजर इन्वेस्टर्स में ये अंतर होता है। एम्प्लॉइज दूसरा है, ताकि जितने भी एम्प्लॉइज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉइज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो इन्हें सैलरी क्या टाइम पे मिल पाएगी। बिजनेस के अंदर इतने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, यदि एक कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इम्प्रूव होता है तो उसका हक उसका राइट बनता है कि बोनस डिस्ट्रीब्यूट करे एक कंपनी में एक वर्कर्स के बीच में, क्योंकि यदि वर्कर अच्छा काम करेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे, और कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं वर्कर के बीच में बोनस बांटना जरूरी है। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वर्कर्स के लिए जरूरी है ताकि एम्प्लॉइज वगैरह चेक करेंगे कि बिजनेस को प्रॉफिट कितना हो रहा है। इसके अलावा जो मालिक हैं, जो भी ओनर्स हैं, जितने भी छोटे छोटे बिजनेस हैं या फिर जितने भी कंपनीज के अलावा पार्टनरशिप फर्म है और सोल प्रोप्राइटरशिप है, यहाँ पर ओनर खुद डिसीजन लेता है। सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप फर्म में ये मैनेजर अपॉइंट नहीं करते, यहाँ पर ये खुद डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप में जितने भी ओनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, प्रोप्राइटर हैं, वे इंटरनल यूजर माने जाते हैं। और कंपनीज वगैरह में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या फिर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सटर्नल यूजर हैं। तो ये था ऑब्जेक्टिव नंबर 4। अकाउंटिंग का मेन मोटिव है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, जितने भी यूजर्स हैं उन्हें एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। ऑब्जेक्टिव नंबर नेक्स्ट, जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट बात पहली कर चुके हैं कि मैनेजमेंट होते कौन है। मैनेजमेंट एक बिजनेस के लिए जो भी मैनेज करेंगे, जो भी सारी एक्टिविटीज मैनेज करते हैं उन्हें बोलते हैं मैनेजर्स। हमें यदि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रॉपर होगी, यदि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रॉपर प्रोवाइड होती है मैनेजर्स को, तो कहीं ना कहीं मैनेजर जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन मेकिंग प्रॉपर होगी। यदि मैनेजर डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग होगी प्रॉपर। यदि मैनेजर फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर फोरकास्ट मतलब कि इस साल हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, यदि प्रॉफिट फेयर होगा, अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से हुई होगी, तो फ्यूचर फोरकास्टिंग करेंगे कि आने वाले समय में हमारे बिजनेस का ग्रोथ किस लेवल पर होगा। तो इसका मतलब प्रॉपर अकाउंटिंग ऑल्सो
helps to management to provide their services so that proper decision making could be applied and their control will be effective so that future forecasting must be there in a proper way. Future forecasting, proper decision making and effective control, teen maine baat ki hai, teen points ki. यदि प्रॉपर अकाउंटिंग होगी तो मैनेजमेंट प्रॉपर डिसीजन लेंगे, यदि प्रॉपर डिसीजन लेते हैं तो फ्यूचर फोरकास्ट सही से होगा कि आने वाले टाइम में मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट उस हद तक इंक्रीज भी हो जाएंगे और मैनेजमेंट का कंट्रोल भी रहेगा इफेक्टिव. ये थे 5 ऑब्जेक्टिव. अब बात करें आगे, बात करें अकाउंटिंग के एडवांटेजेस, अकाउंटिंग करने के फायदे क्या क्या हैं. एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, या फिर कह सकते हैं मेरिट्स. अकाउंटिंग करने के कौन कौन से फायदे हैं. बेनिफिट नंबर 1, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, तो कहीं ना कहीं यानी आने वाले टाइम में या फिर यदि बिजनेस काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और कोई नया ट्रांजैक्शन या फिर कोई नया डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है पुराने ट्रांजैक्शन को लेकर, तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग हेल्प करेगी उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में. सिंपल भाषा में बात करूँ, मैंने कोई ट्रांजेक्शन 5 ईयर्स पहले मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया था, मैंने इस ट्रांजेक्शन की थी रिकॉर्डिंग, मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया था और उसके साथ साथ मैंने बिल भी इनवॉइस अटैच करके रखा था इस ट्रांजेक्शन का. कोई परचेज वाला ट्रांजेक्शन है सपोज, मैंने प्रॉपर रिकॉर्डिंग की, बिल अटैच करके रखा. अब ये पार्टी 5 साल के बाद मेरे पास पैसा लेने आती है और वो कुछ ज़्यादा पैसा मांगती है, तो इसका मतलब अल्टीमेट डिस्प्यूट, लड़ाइयाँ होती हैं, डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं, तो अकाउंटिंग से ये डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएंगे. हम अपने आप उसे, जब हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया था उस समय का ट्रांजेक्शन प्लस उसका इनवॉइस शो कर देंगे, तो इसका मतलब अकाउंटिंग हेल्प्स इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स. पहला मेरिट है जो कि अकाउंटिंग, प्रॉपर अकाउंटिंग की वजह से जितने भी डिस्प्यूट आने वाले टाइम में होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे. तो पहला जो एडवांटेज है, अकाउंटिंग करने से रिजॉल्विंग डिस्प्यूट में ये भी कह सकते हैं, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है मेमोरी पावर वीक होती जाती है, लेकिन यदि हमने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके रखा है तो उस ट्रांजेक्शन को हम कभी भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. नंबर 2, अकाउंटिंग जरूरी है ताकि जितनी भी टैक्स लाइबिलिटीज हैं, उन्हें पेड ऑफ करने के लिए. गवर्नमेंट कैसे भरोसा करेगी, टैक्स डिपार्टमेंट कैसे भरोसा करेगा कि आपने जो टैक्स बताया वो अमाउंट सही है. हम बताएंगे देखो हमारी इनकम ये रही, खर्चे ये रहे, एक्सपेंस ये रहे, सारे इनकम और एक्सपेंस के वाउचर्स, वाउचर मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो मुझे टैक्स लाइबिलिटीज पेड ऑफ, मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक टैक्स का अमाउंट पेड किया, अब वो कैसे बिलीव कर ले ये टैक्स का अमाउंट सही है. तो मैं उन्हें अपनी अकाउंटिंग शो करूंगा, देखिए भाई साहब मेरी इनकम ये है, मेरा खर्चा ये है, खर्चे के बिल सारे ये रहे, इनकम के बिल सारे ये रहे, सेल्स के बिल ये रहे, परचेज के बिल ये रहे, तो इसका मतलब यदि प्रॉपर अकाउंटिंग होगी तो कहीं ना कहीं मेरी टैक्स लाइबिलिटी सही निकलेगी, और टैक्स लाइबिलिटी सही होगी तो आने वाले समय में इस टैक्स का पेमेंट बिल्कुल सही होगा. जितने भी डिस्प्यूट अराइज होंगे ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बिजनेस एंड टैक्स डिपार्टमेंट्स, दीज कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व्ड इफ प्रॉपर अकाउंटिंग इज देयर. ये था दूसरा नंबर. नंबर 3, यदि प्रॉपर अकाउंटिंग होगी तो ये हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग में,
यदि प्रॉपर अकाउंटिंग होगी तो हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग में। यदि अकाउंटिंग एक बिजनेस ने प्रॉपर की है, हर ट्रांजेक्शन सही से रिकॉर्ड किया है, या फिर मैं कहूँ अकाउंटिंग ट्रू एंड फेयर है, अकाउंटिंग ट्रू एंड फेयर है, तो जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो भी कुछ हद तक प्रॉपर रहेंगे। जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो भी कुछ हद तक प्रॉपर रहेंगे, तो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। नंबर फोर्थ, यदि प्रॉपर अकाउंटिंग होती है तो जब भी हम बिजनेस की सेल करेंगे, यदि आज मैंने कोई बिजनेस ओपन किया है, 2-3 साल के बाद मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं बिजनेस चला पाऊँ, मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है बिजनेस मैं चला पाऊँ। मैंने आज एक दुकान ओपन की कपड़े की, आज मैंने एक रेडीमेड गारमेंट्स ओपन किया, मैंने 2 साल ये बिजनेस चलाया, लेकिन 2 साल के बाद मेरी ऐसी पोजीशन नहीं है इस बिजनेस को चला सकूं। मैंने मिस्टर राम से कांटेक्ट किया, मैंने मिस्टर राम से कांटेक्ट किया कि मिस्टर राम ये बिजनेस खरीदो। मिस्टर राम कह रहे बिजनेस तो खरीद लूंगा मैं, लेकिन पहले बताओ बिजनेस की कीमत कितनी है। तुमने जो बिल्डिंग में पैसा लगाया है, तुम कह रहे हो तुम्हारी दुकान में 4 AC लगी है, तुम कह रहे हो हर साल की सेल्स, हर साल महीने की सेल्स है 5 लाख रुपए, मैं कैसे मान लूं ये सेल्स 5 लाख है। तो हम उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाएंगे, हम उसे अपने खाते दिखाएंगे, देखो ये सारे बिल चेक करो, ये कस्टमर के सारे बिल हैं, परचेजर्स के बिल हैं, चेक करो। तो इसका मतलब यदि प्रॉपर अकाउंटिंग होती है, यदि प्रॉपर अकाउंटिंग होगी तो बिजनेस को सेल करने में मदद मिलेगी। यदि हमें हम उस कंडीशन में नहीं है बिजनेस चला पाए तो, या फिर प्रॉपर अकाउंटिंग होगी तो हम एक बिजनेस परचेज करने की सोच रहे हैं, उस बिजनेस को परचेज कर पाएंगे। जैसे बोलते हैं फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस, या इट हेल्प्स इन सेल ऑफ द बिजनेस। सिंपल भाषा में लिख देते हैं हेल्प्स इन सेल ऑफ द बिजनेस, या फिर इसके अलावा कोर्ट में कोई डिस्प्यूट है, सॉल्विंग डिस्प्यूट इन कोर्ट्स। अब डिस्प्यूट कहीं भी हो सकते हैं, कोर्ट में हो सकते हैं, कस्टमर के साथ हो सकते हैं, इनकम टैक्स का हो सकते हैं, या फिर सप्लायर के साथ हो सकते हैं। तो सॉल्विंग डिस्प्यूट इन कोर्ट, कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। यदि प्रॉपर अकाउंटिंग होती है तो कहीं ना कहीं कोर्ट्स के डिसीजन, या फिर कोर्ट यदि हमारे ऊपर कोई दावा भी करता है, कोई व्यक्ति हमारे ऊपर दावा भी करता है, तो उस क्लेम को हम नलीफाई कर सकते हैं यदि प्रॉपर अकाउंटिंग होगी तो। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म की बात करें, यदि प्रॉपर अकाउंटिंग होती है तो यह पार्टनरशिप फर्म में भी हेल्पफुल रहेगी, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट किसे बोलेंगे, एक ऐसा बिजनेस जहां पर मालिक 2 या 2 से ज्यादा हैं, एक ऐसा बिजनेस जहां पर मालिक 2 या 2 से ज्यादा हैं। कैसे मदद करेगी प्रॉपर अकाउंटिंग पार्टनरशिप के अंदर, मदद कुछ इस वे में करेगी, यदि मैंने प्रॉपर अकाउंटिंग की होगी, यदि मैंने अकाउंटिंग की है प्रॉपर, तो यदि एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कोई नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है, या कोई पुराना पार्टनर रिटायर होना चाहता है, तो वो प्रॉपर अकाउंटिंग के बेसिस पर, यदि पुराना पार्टनर रिटायर होगा, अकाउंटिंग प्रॉपर की होगी, तो वो चुपचाप अपना हिस्सा लेके निकल जाएगा कि मेरे हिसाब से इतना मेरा पैसा बन रहा है, ये मुझे पैसा दो ताकि मैं फॉर्म से रिटायर हो जाऊं। नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट होना चाहता है, तो नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट कैसे होगा, सपोज 2 पार्टनर हैं ए और बी, एक नए पार्टनर सी को एडमिट करना चाहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं है कि ए और बी गेट खोल के रखे हैं, सी अपने आप फॉर्म में घुस जाएगा। ए और बी सी से बात करेंगे, सी तुम्हें इतना पैसा देना पड़ेगा। अब सी किस वे में पैसा देगा, किस वे में, मतलब सी अपना हिस्सा किस तरीके से देगा, सी को भरोसा तो होना चाहिए। ए बी कह रहे हैं हमें चाहिए बिजनेस के लिए 5 लाख, तुम यदि पार्टनर बनना चाहते हो तो 5 लाख देने पड़ेंगे, इस 5 लाख की वैल्यू भी तो कहीं से निकल के आई होगी। तो ये 5 लाख वैल्यू निकालने के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है। ये 5 लाख निकालते कैसे हैं वो बात करेंगे 12th क्लास में,
5 लाख आई कहाँ से?